अपने गुरु महाराज को, इष्ट भगवान को प्रणाम करता हूँ आप सबके लिए अध्यात्म ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम में। आप सभी का आपके जीवन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रोग्राम देख रहे होंगे। यदि आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो ज्योतिष का भी विशेष ज्ञान मिलेगा और जीवन भी बदलेगा, बहुत सारा अध्यात्म का ज्ञान भी मिलेगा। बात करेंगे पंचांग और राशियों की, बात करेंगे गुड बैड टाइम की, बात करेंगे खास पेशकश की और विषय की। शुरुआत करते हैं पंचांग से। अश्वनी मास शुक्ल पक्ष की महानवमी तिथि है। आज विशेष रूप से कन्याओं का मां का पूजन है, सभी करेंगे, बृहस्पतिवार है। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे। मेष राशि, मेष राशि के लोगों को आज कारोबार में बड़ी उन्नति मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपको विशेष लाभ हो रहा है, कोई चिंता ना करें। माता पिता का या बड़ों का विशेष सहयोग मिल रहा है। कोई काम करें तो इनकी सलाह से करें। एजुकेशन में समय अच्छा है, जॉब बिजनेस में भी आज समय ठीक रहेगा। यदि आप कोई जरूरी काम करें तो कुत्तों को बिस्कुट डालें, काम पे निकले, लाभ। वृषभ राशि के लोग खुशी प्राप्त कर रहे हैं, शांति पा रहे हैं, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। एजुकेशन में रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, कोई एग्जाम दे रहे हो तो सफलता मिलेगी। जॉब बिजनेस में लाभ मिलता दिख रहा है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। जरूरी काम करते वक्त माँ दुर्गा का ध्यान करें, काम पे निकलें, फायदा होगा। मिथुन राशि के लोग आज ऊर्जान्वित रहेंगे, लेकिन 12 बजे बाद कुछ समस्याएं हो सकती है, तनाव आ सकता है, कोई रोग घेर सकता है, सावधानी रखें। एजुकेशन में समय साधारण है, जॉब बिजनेस में आज बदलाव नहीं करना। मिला जुला समय मिल रहा है, इसलिए थोड़े से सतर्कता की जरूरत, धैर्य ना खोएं और जरूरी काम पे जाते वक्त बंदरों को गुड़ चना डालें, काम। कर्क राशि के लोगों को आज गृहस्थी का, संतान का सुख अच्छा मिल रहा है। वैभव का योग है, अच्छा सोच करके, कार्य की प्लानिंग करके आगे बढ़े, सफलता दिख रही है। असमंजस में नहीं रहना, डबल माइंडेड नहीं रहना, आज किसी पे ज्यादा भरोसा करके नहीं चलना। एजुकेशन में, जॉब बिजनेस में समय अच्छा है। जरूरी काम पे जाते वक्त ओम सोम सोमाय नमः का जप करेंगे, काम पे निकलेंगे, कार्य सिद्ध होगा। बात करते हैं किस दिशा में यात्रा नहीं करनी, गुड बैड टाइम। आज का शुभ समय रहेगा सुबह 11 बजे से 12:35 तक। इस समय में विशेष कार्य करेंगे तो कार्य सिद्ध होगा। आज का बैड टाइम रहेगा 1:50 से लेकर 3:20 तक। इस समय में आपको जरूरी काम करने से बचना है। अब बताते हैं किस दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी। आज आप दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें, फिर भी जरूरी कार्य से आपको दक्षिण दिशा में यात्रा करनी पड़ रही है तो जीरा खा के निकलें, यात्रा कष्ट नहीं देगी। चलिए बात करते हैं आपकी अगली राशियों की। सिंह राशि के लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, कहीं वाद विवाद में फंस सकते हैं, सावधानी रखें। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, यदि सोच रहे हैं, प्लान करने हैं, कर रहे हैं तो फायदा होगा। एजुकेशन में समय साधारण है, जॉब बिजनेस में आज सुचारू रूप से कोई विशेष निर्णय ना लें, जो चल रहा है चलने दें। मन खुश रहेगा, गुप्त शत्रु आपको सता सकते हैं, वहां सावधानी रखनी। जरूरी काम पे जाते वक्त ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, काम पे निकले, लाभ होगा। कन्या राशि
कन्या राशि के लोगों को समय अच्छा मिल रहा है, सदुपयोग करें, चीजें सुलझ रही है, ऊर्जान्वित रहेंगे, मेहनत से कामयाबी मिलेगी, संतान पक्ष मजबूत है, गृहस्थ जीवन अच्छा है, जरूरी काम आज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कन्या राशि के लोग धैर्य आज ना खोएं, इस बात का ध्यान रखें। कोई विशेष कार्य कर रहे हैं, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, फिर काम पे निकले, लाभ होगा। तुला राशि के लोगों का कोई जमीन संबंधित, वाहन संबंधित काम हो सकता है, कारोबार में उन्नति होगी, जॉब के लिए भी समय अच्छा है। एजुकेशन में आप कुछ विशेष करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं, समय अनुकूल रहेगा। विशेष सलाह, अपनों का थोड़ा ध्यान रखें, चिंता ज्यादा ना करें, जरूरी काम करते वक्त कन्याओं का पूजन करें, ओम सुम शुक्राय नमः का जप करें, फायदा होगा। वृश्चिक राशि के लोगों को आज कामयाबी मिल रही है, कहीं ना कहीं दिन अच्छा है, मेहनत से आगे बढ़े, काम सफल होंगे, एजुकेशन में रुका हुआ काम, पढ़ाई पूरी होगी, जॉब बिजनेस में लाभ के योग है, समय का सदुपयोग करें। आज आप कहीं उलझ ना जाएं, किसी से विवाद ना कर बैठे, इसका ध्यान रखना है। जरूरी काम पे जाते वक्त हनुमान चालीसा पढ़ें, काम पे निकलें, लाभ होगा। अब बात करेंगे आज के विषय की। पंच महापुरुष योग में अगला योग है हंस योग, जो बृहस्पति की मेहरबानी से बनता है। कुंडली देखना हमने आपको बताया था, आगे फिर बताएंगे। यदि केंद्र स्थान आप जान ही चुके हो, फिर भी एक बार सुन लो, 1, 4, 7, 10 इन स्थान में बृहस्पति हो, कैसा होना चाहिए? स्वक्षेत्री या उच्च का। कहने का मतलब है बृहस्पति आपका धनु या मीन राशि में हो या फिर कर्क राशि में हो तो आपको हंस योग प्राप्त होता है। ये राजयोग जीवन में बड़ी सफलता है और सुख देता है, जीवन में आप कामयाब होते हैं। ये योग आपको क्या क्या देता है वो जानते हैं। हंस योग विवाह का सुख अच्छा देता है, संतान का सुख अच्छा देता है। जिनकी कुंडली में हंस योग होता है ऐसे लोगों के पास धन अच्छा रहता है, धन की दिक्कत नहीं होती, काम धन की वजह से रुकते नहीं, परिवार का सहयोग ऐसे लोगों को अच्छा मिलता है, अपनों का सपोर्ट मिलता है, गृहस्थी में सुख समृद्धि शांति रहती है, संतान का सुख अच्छा मिलता है। इतना महत्वपूर्ण है ये योग। जिसके ये योग होता है ऐसे लोग टीचिंग में न्यायाधीश के पद पर या कोई धार्मिक कार्यों से संबंधित कोई बिजनेस में, कागजों के काम में, ज्ञान से संबंधित किसी काम में विशेष फायदा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों की अध्यात्म में, धर्म में, भक्ति में रुचि होती है, ऐसे लोगों को गुरु मिल जाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को जीवन में अच्छा राजयोग और बड़ी सफलताएं मिलती है, समाज में इज्जत मिलती है, ऐसे लोगों की वाणी में विशेष आकर्षण और ज्ञान होता है। अद्भुत है ये योग। जिनके भी ये योग होता है ऐसे लोग 16 साल की उम्र से विशेष तरक्की और राजयोग पाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों का समाज में रुतबा होता है,
ऐसे लोगों के पास बैठ जाए तो उठने का मन नहीं करता, इतना ज्ञान और आकर्षण उनकी वाणी में प्रभु देते हैं। ऐसे लोग अच्छे धर्म गुरु हो सकते हैं, लोगों को ज्ञान बांटते हैं, इतना वरदान देने वाला होता है ये हंस योग बृहस्पति के कारण जो पढ़ता है। अब जानते हैं ये योग कमजोर कैसे पड़ता है, और कमजोर हो या इसका और अच्छा रिजल्ट लेना हो तो क्या उपाय करने हैं ये आपको बताते हैं। यदि बृहस्पति के साथ राहु बैठे या केतु बैठे, या बृहस्पति पर राहु केतु की दृष्टि हो तो कहीं ना कहीं इसके सुप्रभाव में कमी आ जाती है। बृहस्पति अंशवाइज कमजोर हो तो थोड़े से इसके फल में कमी आ जाती है। तो कैसे पाएं हंस राजयोग का पूर्ण फल, वो विशेष उपाय सुनिए। जिनके ये योग होता है ऐसे लोगों को पीड़ी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कोई त्योहार पर या कोई धर्म अध्यात्म के कारण आप कुछ दान करते वो ठीक है, लेकिन नियमित रूप से नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को पीले वस्त्र, हल्दी का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए। पीले वस्त्र पहने, हल्दी का तिलक करें। ऐसे लोगों को गाय, गुरु और मंदिर और राष्ट्र की विशेष सेवा करनी चाहिए। समाज कल्याण और परहित के लिए काम करना चाहिए। देखो ये योग आपको क्या क्या देगा, वरदान बरसाएगा। वैसे भी जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं, ऐसे लोगों के बहुत सारे पाप स्वतः कट जाते हैं, बहुत सारे ग्रह स्वतः अच्छे हो जाते हैं और प्रभु का आशीर्वाद भी प्राप्त। इससे वरदान पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करें। आप देखें आपको विशेष फायदा होना शुरू होगा। बहुत विशेष ये योग है जो आपको विशेष उपलब्धि देता है। इनमें से आप दो तीन उपाय भी कर लेंगे तो ये योग आपको अद्भुत फायदा देता है। अब बात करेंगे आपकी बची हुई अंतिम चार राशियों की। धनु राशि, धनु राशि के लोगों को कुछ समस्याएं हो सकती हैं, कहीं वाद विवाद हो सकता है, सावधानी रखें। आज आपकी वाणी जितनी अच्छी रहेगी दिन उतना अच्छा रहेगा। वाणी खराब कर लोगे तो दिन अशुभ हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में समय ठीक है, जॉब बिजनेस में बड़ा बदलाव ना करें। आज आपको कोई मौसमी बीमारी सता सकती है, थोड़ा सा सावधानी रखें। कोई रोग हो तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। भाग्य का आज ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जरूरी काम करते वक्त गाय को गुड़ खिलाएं, काम पे निकलें, लाभ होगा। मकर राशि, मकर राशि के लोगों को आज कोई चिंता सता सकती है, आप टेंशन में रह सकते। अपने आप को फिट रखने का प्रयास करें। एजुकेशन में समय ठीक है, जॉब बिजनेस में मिला जुला समय है। आज अपनों का सपोर्ट मिल रहा है, बस आपको अनबन ना हो इस बात का ध्यान रखना है, धैर्य नहीं खोना। जरूरी काम करते वक्त
ओम सम शनिश्चराय नमः का जप करें, काम पे निकले लाभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोगों को आज कुछ समस्याएं हो सकती है, परिवार से, बाहर से, कोई रोग से समस्या हो सकती है, सावधानी रखें। एजुकेशन में समय साधारण है, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आज, ये तय। जॉब बिजनेस के लिहाज से समय मिला जुला है, विशेष निर्णय ला लें। आज कोई आपकी वजह से नाराज ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जरूरी काम पे जाते वक्त ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः का जप करें, काम पे निकले फायदा होगा। लाभ का योग मिल रहा है, मीन राशि वाले को भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। एजुकेशन में समय ठीक है, कोई विशेष समझ में नहीं आ रहा था तो समझें, फायदा होगा। जॉब बिजनेस में आज आपको कोई विशेष सफलता मिल सकती है, इसलिए मेहनत से आगे बढ़ें, कामयाबी आपकी राह देख रही है। मन प्रफुल्लित रहेगा, आनंद आपके पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए चिंता ना करें, चिंतन करके आगे बढ़े, सब ठीक। जरूरी काम पे जाते वक्त केसर का तिलक करें, काम पे निकले लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं क्या है आज खास पेशकश में टिप्स, सुनिए जरा। जो लोग लगातार किसी का अपमान करते, जिनकी किसी को उल्टा सीधा बोलने की आदत होती है, जो संतों की, गुरुओं की इज्जत नहीं करते, धर्म के कार्य में धार्मिक लोगों की बुराई करते हैं, विघ्न डालते हैं, समाज सेवा करने वाले लोगों से चिढ़ते हैं, ऐसे लोग पूरे जीवन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, अधिक रूप से दुखी रहते हैं, सुख शांति छिन जाती है। और एक समय आता है जब आपके ओ ऐसा होता है कि सब कुछ पाके सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए ये आदत है आप में तो तुरंत सुधारें बुराइयों को, जब जाकर ही फायदा होगा। आप कार्यक्रम अच्छे से देखेंगे, लाइक शेयर करेंगे तो ज्ञान का प्रचार होगा, जीवन बदलेगा, ये तय है। चिंता ना करें, चिंतन करें, ज्ञान के लिए जिए, अपने लिए समय निकालें, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। देखते रहिएगा कार्यक्रम इंडिया न्यूज 64 पर, आपका जीवन रोज सुबह 8 बजे।